भी जो हर दूसरे तीसरे दिन इंदौर आते हैं उनको तत्काल विजिट करना चाहिए हॉस्पिटल में आके। और यदि किसी बच्चे को लिफ्ट करना हो बॉम्बे या दिल्ली, उसे तत्काल एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट कराने की व्यवस्था करना चाहिए। ये बड़ी घटना है। कल भी मुख्यमंत्री इंदौर में थे, परसों भी इंदौर में थे, आज उज्जैन में है, तो उन्हें तत्काल सारे कार्यक्रम छोड़ के यहाँ पे बॉम्बे हॉस्पिटल आना चाहिए। और उनके जो इंजोर्ड हुए उनके माता पिता से, जो जिनका देहवसान हो गया बच्चों का, उनके माता पिता से मिलकर सांत्वना व्यक्त करके संसाधन उपलब्ध तत्काल कराना चाहिए। स्कूल प्रबंधन सामने नहीं आया है अभी तक। देखिए, ऐसी घटनाओं में घबरा जाते हैं, अपन एकदम से दोषी मान लें, एकदम से उन पर आरोप लगाते हैं, वो भी मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। घटना तो हुई, बड़ी घटना हुई, ये दुर्घटना इतनी हृदय विदारक है। मैं जब ऊपर बच्चों से मिल गया तो मेरा हृदय द्रवित हो गया कि बच्चे भय के मारे नींद का इंजेक्शन लगाने के बाद भी चिल्ला रहे हैं, उन्हें झटके आ रहे हैं। स्कूल प्रबंधन को सामने आना चाहिए, भले एसपी कलेक्टर के माध्यम से आए, कैसे भी आए, उन्हें आगे एप्लाइज करना चाहिए और भविष्य में इस तरह ना हो। हालांकि गलती सीधे सीधे ड्राइवर की और कंडक्टर की, लेकिन आना तो चाहिए। स्कूल प्रबंधन ने कहीं ना कहीं अपने बयान जारी करना चाहिए, एसपी कलेक्टर से मिल के करें, अधिकारियों से मिल के करें। उन्हें भय लगता है क्योंकि घटनाएं होती है कि एक सब हज़ारों लोग इकट्ठा होते हैं तो ऐसी घटनाओं में मारा पीटी हो जाती है। एसपी कलेक्टर के माध्यम से करें और मुख्यमंत्री को जरूर आना चाहिए। क्या ऊपर तोड़फोड़ वगैरह हुई है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। पता करके बता देता हूँ।